हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Redmi फ़ोन में दोस्तों डबल लिप को कैसे बनाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो पहले दोस्तों जो बनाने का रहता तो आप लोग मैं सेटिंग में जाके बना लेते थे, लेकिन दोस्तों ये फीचर को यहाँ सेटिंग से हटा दिया गया है। तो कैसे डबल लिप को बनाएंगे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक देखते रहना। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सेटिंग में आपको डबल लिप का जो ऑप्शन है वो हटा दिया गया है, नहीं मिलेगा सेटिंग में। दोस्तों उसके लिए आप लोग को करना क्या पड़ेगा, आपको दोस्तों प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, और जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर आप लोग को जो भी रहेगा ये जो वेबसाइट है दोस्तों को Redmi का, वहीं से आप लोग का होगा। ऐसा नहीं कि आप लोग को थर्ड पार्टी ऐप से बनाने के लिए बोलूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को प्ले स्टोर में आना, और आने के बाद यहाँ पे एक्टिविटी लॉन्चर देखने को मिल जाएगा, तो इसको दोस्तों आप लोग इंस्टॉल कर लेना। मेरा दोस्तों यहाँ से पहले से है, तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा, ठीक है। तो ओपन करने का दोस्तों यहाँ पर आप देख लेना, कुछ समय लगेगा ओपन होने में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लेना कि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का सर्च वाले ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने को दोस्तों यहाँ पे डबल ऐप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लेना दोस्तों, डबल ऐप सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों उसी पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोग के मोबाइल में जितना भी ऐप रहेगा तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे को इंस्टाग्राम का डबल ऐप बनाने का रहेगा, तो इंस्टाग्राम वाले को यहाँ से टर्न ऑन कर देंगे। दोस्तों अब क्या होगा, ये जो इंस्टाग्राम है वो डबल ऐप हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से मैं कट करके यहाँ पे आता हूँ दोस्तों, और आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो इंस्टाग्राम बन गया है। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग जो भी ऐप को यहाँ से बनाना चाहते हो बना सकते हो, लेकिन दोस्तों ये जो फीचर था सेटिंग में वहाँ से हटा दिया गया है, तो एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह का और जानकारी मिलता रहेगा।